नमस्कार, बुंदेली हलचल के ई मंच पर आकर आपका स्वागत है। इस समय हम मौजूद हैं सुरगी विधानसभा के ग्राम सियोरा में, जहां पे जनता और कुछ भारतीय जनता पार्टी एवं कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों ही मौजूद हैं। आइए बात करते हैं, क्या विचार सर जी, विकास का मुद्दा क्या होगा? विकास का मुद्दा यही होगा, जो गोविंद सिंह राजपूत हैं वही विकास करते हैं सुर्खी क्षेत्र में, और वो 25 साल से राजनीति करते आ रहे हैं, अच्छी राजनीति करते हैं और सुख दुख में भी साथ देते हैं। गोविंद सिंह राजपूत विधायक, पहले विधायक भी नहीं थे, जब भी अच्छा काम किया है और जनता के बीच में आवाज़ भी सुनी उन्होंने और अच्छा विकास कर रहे हैं। अभी हमारे सियोरा में जो घोषणा हुई थी उसका काम भी लग चुका है। अभी जैसे पारुल साहू क्यों नहीं, पारुल साहू अभी पूरी जनता जानती है पारुल साहू की, अभी पिछली 5 साल पहले वो विधायक रही थी, उनने अपना मुंह नहीं दिखाया अभी तक 5 साल, और अभी भी सियोरा वो आई नहीं है। तो वो तो अब गोविंद सिंह राजपूत कहते हैं, क्या स्थिति है यहाँ की? भैया अच्छी स्थिति है, किस पक्ष में जा रही है? हम तो जय जय श्री राम बारे हैं, जय जय श्री राम। जनता पार्टी और कांग्रेस की टक्कर मानते हैं क्या? हाँ टक्कर तो है, टक्कर। विकास कार्यों के लिए क्या कोई कार्य हुए हैं सियोरा में, ऐसे जो आप कह रहे हैं जी राजपूत समर्थक हैं, तो ऐसा क्या एक विशेष कोई काम बताइए आपके यहाँ? मंत्री जी के तो अच्छे काम कर रहे हैं मंत्री जी ने, अभी अभी मतलब घर घर पानी की योजना चालू हो गई है, रोड वोड जितने सब काम अच्छे कर रहे हैं पूरी। पारुल साहू क्यों नहीं? पारुल साहू कहीं 5 साल से मिले ही नहीं है, देख भी नहीं मिल रही, बंगलों में से बाहर नहीं निकले। हाँ भैया बताओ क्या स्थिति है आपके? ठीक है वहाँ थे गाँव में। कौन जीत रहा है? अब जीत भी की तो चला ही रहा है, भूलाई को है। हाँ पारुल साहू क्यों? अब उनके हम कहाँ गए, 5 साल से आए नहीं अभी थे। विकास के लिए कोई विशेष कार्य बताइए जो आपके? हम आए थे विकास की कार्य है भाई, नली योजना हो गई, भटुआ पे माने टंकी बन गई भाई, योजना है गांव गांव में लान गिर गई। आप बताओ भैया किसके पक्ष में जा रहा है? हमारे तो मंत्री जी जीत रहे हैं, पारुल साहू 7 साल से आई नहीं है, हमारे मंत्री जी ने विकास करो, 2 करोड़ रुपया पानी के लिए आ जाता है, कल्लाई वाला रोड बनवा रहा है, जैसी नगर वालो बनवा रहा है, मुंगरिया वालो वो जो श्यामाने वालो विकास करो है, हमारे मंत्री जी तो 40,000 से जीत रहे। पारुल साहू क्यों नहीं? ये 7 साल से क्षेत्र ही में नहीं दिखानी, 7 साल से क्षेत्र में। आप बताओ जनता कहाँ जा रही है? हम तो बच्चे फूल में ही वोट दे रहे हैं, मंत्री जी को चाहते हैं, पहले से उनको चाहता है और अभी भी चाह रहे हैं, और दीदी हैं पारुल दीदी भी अभी तक नहीं आई, 5-6 साल से हमारे ग्राम में कभी अखड़े के हैं हम रहने वाले अखेड़ा गोड़ के, दीदी अभी तक हमारे ग्राम में उपस्थित नहीं हुई है, ना दीदी ने कोई विकास किया है, जो कुछ किया है भज्जा गोविंद भज्जा ने किया है, और उनको सब वोट दे रहे हैं, उनको चाह रहे हैं, और ऐसा नहीं है कोई बोबारी बात हो कांग्रेस पार्टी को वोट नहीं देंगे, वादे जो किए हैं उनने पूरे नहीं किए, कभी 2 लाख का किया था जो कार जमाती का वो नहीं किया है पूरा। क्या स्थिति है भैया आपके सियोरा में? दोनों पार्टी गोविंद सिंह जीत रहे हैं, क्या विशेषता है गोविंद सिंह जीतने की? बहुत उन्हें अभी 6 महीने में बहुत करोड़ों की विकास कार्य किए हमारे सियोरा में, नल जल योजना है, जैसे गौशाला, बहुत से रोड स्वीकृत करवाए हैं और बहुत ज़्यादा काम करवाया है। पारुल साहू ने कुछ नहीं कराया? नहीं, वो 5 साल विधायक रही, वो दिखी ही नहीं यहाँ क्षेत्र में, ना कोई कार्य हुआ ना कुछ किया उन्होंने। आप जी किस पक्ष में जा रहा है चुनाव? भारतीय जनता पार्टी। क्या विशेषता है? भारतीय जनता पार्टी की विशेषता एक ही है, विकास से जुड़ी भाई पार्टी है भारतीय जनता पार्टी जी। चूँकि आप हमारे बुंदेलखंड के ई मंच पर हैं जी, बुंदेली में गोविंद राजपूत या पारुल साहू के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बुंदेली में हम एक ही बात क्या वो चाहत है उनसे कि न परो चक्कर में कोनू नहीं अटक, न परो चक्कर में कोनू नहीं टक्कर में। आप भैया क्या स्थिति रहेगी? गोविंद सिंह राजपूत। पारुल साहू क्यों नहीं? पारुल साहू जो 5 साल विधायक रही है, 5 साल में ऊपर क्षेत्र में कोई काम ही नहीं करा और क्षेत्र में दिखी भी नहीं ना 5 साल, तो गोविंद सिंह राजपूत है हमेशा अपने क्षेत्र के सुख दुख हो या कुछ में भी हमेशा आम जनता के लिए खड़े रहते हैं, और सुरगी क्षेत्र में सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा मंत्री बन रहा ना विधायक के साथ, विकास आज जैसे विकास में खुरई या अपने दहली का नाम लिया जाता है, तो आने वाले समय में सियोरा सुरगी क्षेत्र का भी नाम लिया जाएगा विकास में, और विकास का काम सिर्फ गोविंद सिंह राजपूत ही कर सकते हैं।
इतना समय हुआ चूंकि अभी कुछ टाइम से मंत्री रहे, अभी तक कितने विकास कार्य? अभी बहुत से विकास कार्य कर रहे, नल जल योजना लागू हो गई, जो ग्रामीण क्षेत्रों के रोड के काम थे वो भी उन्होंने पूरे करवा दिए, और जो भी क्षेत्र की समस्याएं आम जनता के जो भी हैं अभी भी वो करवाते जा रहे हैं। मतलब विकास के काम में वो कोई भी कमी नहीं रहने दे रहे हैं। इसी जनता को दिखता है कि गोविंद सिंह राजपूत विकास के लिए कितने अग्रसर हैं। एकतरफा लग रहा है, एकतरफा चुनाव लग रहा है गोविंद भैया के एकतरफा। क्या स्थिति रहेगी ये चुनाव? गोविंद सिंह जीतेंगे। गोविंद सिंह जीत रहे? हाँ, 100% 100% का ऐसी क्या विशेषता है कि गोविंद सिंह ही जीत रहे? अरे 15 साल की नहीं, अभी आप तो 15 महीना और 5 महीना का विकास देख लो। गोविंद राजपूत ही क्यों? विकास कर रहा है और क्षेत्र से जुड़े रहते हैं। कोई दो विकास बड़े कार्य बताइए आपके सीहोरा? सीहोरा में नल जल योजना और सामुदायिक भवन। बारल साहू कह रहे हैं कि वोट बांट रहे हैं मंत्री जी? नहीं, वो ही बांट रहे हैं। वो बांट रहे हैं? हाँ। वीडियो वायरल हुआ था किसका? उस पर दिख रही थी कि गोविंद सिंह जी की फोटो, 500 रुपये का नोट। नहीं, इसकी जानकारी नहीं है, वीडियो नहीं देखा। सीहोरा का विकास किसके हाथ में सही होगा? माननीय गोविंद राजपूत की। क्या ऐसी विशेषता है कि गोविंद? विशेषता ऐसी है कि वो पूरा परिवार उनके बड़े भाई गुलाब सिंह राजपूत, हीरा सिंह जी, उनके बच्चे, पूरा परिवार पूरे समय अपने क्षेत्र में गरीब लोगों के साथ में रहते हैं और हर समस्या का उनसे निदान होता है। पारुल साहू ने अभी बलेरा की सभा में कहा कि जनता पूरी हमारे साथ है। अब पारुल साहू तो ऐसी मान के चलो आपके, वो भी हमारे यहाँ के विधायक रही 5 साल, वो बड़ी उम्मीद से जनता ने जिताया था। बाकी 5 साल वो 320 गांव में किसी क्षेत्र में, यदि एक गांव में बता दें कि वो 5 साल में गई हो, वो कहीं नहीं गई। वो तो चुनाव जीत के इसके बाद हमारे क्षेत्र का बहुत ही, और सब लोग इस चीज़ से वाकफ है, ऐसा नहीं है। इसीलिए सबसे ज़्यादा इसमें हमारे गोविंद राजपूत को मिल रहा है कि इनमें और इनमें कितना अंतर है। आरोप लगा रही हैं कि वोटर लिस्ट में फर्क। हम भी पहले कांग्रेस में रहे और गोविंद राजपूत के साथ भाजपा में आए हैं। चूँकि ये देखने को मिला है कि जो 25 साल में विकास नहीं हुआ, जो गोविंद राजपूत के भाजपा में 4 महीना के आवे में इस क्षेत्र के लिए कम से कम 500 करोड़ की सौगात मिली है, और हम दूसरे गांव की क्या कहें। हमारे यहां कम से कम 350 करोड़ की नल जल योजना और गौशाला और हाई स्कूल की बाउंड्री और 10 करोड़ के कम से कम हमारे सीहोरा के लिए पक्की सड़क से जोड़ने के रोडों के प्रस्ताव, वो भी काम शुरू हो गए। 10 लाख की हरिजन सामुदायिक भवन, 25 लाख सामान्य वर्ग का यदि हम गोविंद राजपूत की गिनतियाँ गिनाते तो सवेरा हो जाएगा, हम पूरी नहीं बता पाएंगे। जो हमारे गोविंद राजपूत कहते हैं और वो करते हैं, और शायद हम लोग भी ये सोचते थे जब कांग्रेस में थे और जब वोट मांगने जाते थे गरीब के यहाँ, तो ये लगता था कि वास्तव में यार ईमानदारी से देखे जाए तो जो 1.5 लाख कुटीरों के गरीबों को, हरिजन किसी भी समाज का हो, ये तो पूरे भाजपा वाले मोदी और शिवराज सिंह दे रहे हैं। कांग्रेस के नाम पे हमारे तो झूठी करके वोटें मांगते, तो इसीलिए हम लोग इस दल में आकर बहुत पूर्ण रूप से संतुष्ट हैं। लगा कर मोदी के कार्यकाल में हमारा राम मंदिर बना, कि जो हजारों आदमों की कुर्बानी चढ़ गई थी, और आज उन आत्माओं को भी संतुष्टि मिल रही जो किसी के समय में ये अच्छा काम हिंदुस्तान में हुआ है। और हम लोग तो सब गोविंद राजपूत के साथ हैं, और गोविंद राजपूत के साथ क्या, हम और तो विकास के साथ में हैं। यदि गोविंद राजपूत है क्षेत्र का विकास है ना कुछ नहीं है, इसलिए हम तो सब लोग मिलकर गोविंद राजपूत का साथ दे रहे हैं, और हमें तो विकास चाहिए हमारा क्षेत्र का। अब सोची तो हतीये से जनता ने कि खूब धनवान में लगाए, पैसों वाले में लगाए, कि चलो मैडम मन गई, हमारे क्षेत्र को हमारे गांव को विकास उज्जे। सो विकास तो नहीं भाव उनके समय में 30 लाख को एक सामुदायिक भवन दाओ, तो सो वो सामुदायिक भवन हमारे गांव को छोड़ के 1 किलोमीटर बनवा दो दूर से, वो में आदमी बैठ कर दारू पी रहा कहूँ, भसा भरे कहूँ ढोर बैठ रहे, वही सामुदायिक भवन हमारे गांव में बनवा लाओ हो तो आज हमारे 20 आदमों को दुकानें नहीं मिलती, बेरोजगारों को धंधो नहीं मिलते,
तो इसलिए हम लोग तो भैया बिल्कुल आत्मा से कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, हमारे तो जितने भैया जी ठाड़ी हैं तुम सबसे एक सकुआ दे गोविंद राजपूत, सब गोविंद राजपूत, गोविंद राजपूत जिंदाबाद।